इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा इशू आ रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं लिखा हुआ आता है यहाँ पर नॉट सेंड टैप टू ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर मैसेज करते हैं तो सारे यहाँ पर जो हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर नॉट सेंड, और उसके साथ यहाँ पर नीचे भी एक एरर आ रहा है, उसको तो आप फिलहाल इग्नोर मार दीजिए। बट यहाँ पर जो है ये क्या इशू है ये जो हमें फेस करने को मिला है। अब हम दूसरा सिम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सिम, अब मैं दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैसेज करता हूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब ये तो साफ साफ हो जाता है कि हमारा जो है यहाँ पर एक जो है मैसेज भेज रहा है, एक नहीं भेज रहा, तो हमारे सिम में दिक्कत है, फ़ोन में दिक्कत नहीं है। और अब चेक कर लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम बैलेंस को, ठीक है। आपको जब आप किसी सिम में रिचार्ज कराते हैं तो आपको 100 सिम मिलते हैं, और सॉरी 100 SMS मिलते हैं जो कि पर डे होते हैं। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो यहाँ पर इस तरीके का ही इशू फेस करवाता है, फिर नॉट सेंड टैप टू ट्राई अगेन, ठीक है, ये वाला इशू फिर दिखाने लग जाता है, शो आपको होने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में आप जो है 129 रुपये से ज़्यादा का रिचार्ज करवाइए, जैसे कि आप मैसेज पाते हो और 100 मैसेज ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद तो आप कर नहीं सकते, उसके बाद आपको टॉक टाइम का रिचार्ज करवाना पड़ेगा तभी आप मैसेज कर सकते हैं। या आप 129 रुपये से रिचार्ज का जो है नीचे कराते हैं, ठीक है, तो उसमें प्लस टॉक टाइम का जो है बैलेंस होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर वैलिडिटी उसका भी आपका जो है यहाँ पर वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि दोनों चीज़ होनी चाहिए अगर 129 रुपये का रिचार्ज आप नहीं करवाए जब भी आप किसी को SMS भेज पाएंगे। तो इससे साफ 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 ये बात पता चल गई कि ये वाला मैसेज चल गया, ये वाला नहीं गया, तो इसमें समझ जाएगा कि ये SMS की दिक्कत है, आपके सिम की दिक्कत है और कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और एक दफ़े फ़ोन सिम विम को बंद करके खोल लीजिए, बस इतना ही आपको करना है एरोप्लेन मोड लगा के, बाकी फ़ोन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फ़ोन को बंद करके खोल लीजिए, आपका SMS चला जाएगा अगर आप इस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो, रिचार्ज करवाते हैं तब। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।